मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू सिट बैक एंड रिलैक्स। और आज है सैटरडे, अभी दिन के बज रहे, सुबह के बज रहे 7। अभी जो आज का प्लान है वो मेरा प्लान था 11 बजे वापस घूम के जाने का लिंकन, ठीक है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ होटल से चेकआउट करके उसके बाद थोड़ा सा सिटी इधर उधर घूम लेंगे, क्योंकि ब्रेमन में ज़्यादा देखने लायक उतना कुछ है नहीं। ऐसे आसपास कुछ देख लेंगे, उसके बाद मेरा जो स्लॉट बुक किया हुआ है ब्रेकफास्ट का वो 8 to 9 है, तो मैं फटाफट नहा लेता हूँ, उसके बाद 8 to 9 के बीच में ब्रेकफास्ट करके आता हूँ, उसके बाद फिर चेकआउट करके बाहर निकल चले। All they ever serve scrambled eggs. I would fall upon my knees and beg, do not be sure. तो होटल से जस्ट चेकआउट किया, चेकआउट करके वहाँ पे जो रिसेप्शन पे बंदा था वो भाई साहब ने बताया कि अगर आपको ब्रेमन में कुछ देखना है तो सिटी हॉल है यहाँ का, उसके पास चले जाओ, क्योंकि जितने भी सारे टूरिस्ट स्पॉट है ना वो सिटी ऑफिस के पास ही है। तो मैं अभी वहाँ ही जा रहा हूँ, लेकिन जाते जाते रास्ते में एक गार्डन टाइप का मिला, एक विंडमिल टाइप का भी है स्ट्रीट वहाँ पे। अभी सिटी ऑफिस जाने से पहले ये अगर रास्ते में ही है तो इसी को देख लेता हूँ। तो ये है काफ़ी खूबसूरत, मेरे ख्याल से चलता नहीं है लेकिन काफ़ी अच्छा खासा बना के रखा हुआ है। हवा तो कल तेज़ था ही, आज भी तेज़ है, उसकी वजह से आपको देख रहा होगा साइन बोर्ड जो बीच में रखा हुआ था गार्डन के वो सारे नीचे गिरे हुए हैं। तो मेरे पीछे वो विंडमिल दिख रहा होगा आपको, तो उसके ठीक नीचे ही रेस्टोरेंट है, लेकिन मैं तो ऑलरेडी ब्रेकफास्ट करके आया हूँ होटल से, तो मुझे तो पैसा खर्च करने का मन नहीं है। तो पीछे विंडमिल छूटता हुआ, किसी और दिन जाएंगे तब, अगर इन फ्यूचर आना हुआ फ्रेंड्स के साथ तो फिर रेस्टोरेंट में जाके एक बार खाना खाने का मन है, एक बार तो देखना चाहूँगा मतलब किस तरह से, मतलब नॉर्मल यूजुअल ऐसा कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन वो जो फील है ना उसके अंदर, मतलब विंडमिल के अंदर बैठ के खाना खाना, तो वो एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ एक्चुअली। ये टाउन हॉल जाने के लिए मैंने दूसरा रास्ता ले लिया था, मुझे ऑपोजिट साइड में जाना चाहिए था लेकिन मैं इस तरफ आ गया, तो अभी फिर से वापस उस साइड जा रहा हूँ। देखो यहाँ पे लोग ट्रैफिक रूल्स को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। अभी रोड खाली है फिर भी मैं क्रॉस नहीं कर रहा था, और कोई भी क्रॉस नहीं करता जब तक ये जो लाइट है ग्रीन ना हो जाए। तो बेसिकली यही वजह है कि यहाँ पे एक्सीडेंट्स वगैरह जो है वो बहुत कम है। जैसा नाम ऐसा गाड़ी, बिग बॉय तेरी। और ये जो लेन है इसमें सारे रेस्टोरेंट्स है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इस साइड में रेस्टोरेंट है, और बाहर अगर किसी को बैठना है धूप में
तो उसके लिए यहाँ पे चेयर लगे हुए हैं। और यहाँ के जितने भी लोग हैं ना जर्मन्स, तो वो लोग मोस्टली धूप में बैठ के खाना खाना प्रेफर करते हैं, तो इसकी वजह से हर एक रेस्टोरेंट में आपको मिल जाएगा। एक उनका अंदर का भी होता है जहाँ पे बैठ के खा सकते हो, और एक बाहर भी एरिया रहता है। और ये जो आपको एरिया दिख रहा है, ये सिटी हॉल के नीचे ही है, मार्क प्लाट्स बोलते हैं, और उसके नीचे फ्लावर मार्केट है। और जर्मनी के हर सिटी में एक टाउन हॉल होता है, तो ये रहा मेरे लेफ्ट हैंड साइड में सिटी हॉल। ऐसा लग रहा है कि जो भगवान है उस वो ना शावर बटन के साथ खेल रहा है। चीज़ है ये जो एरिया है पूरा का पूरा, इसमें से अगर जो गाड़ी है रेस्टोरेंट है इसको हटा दूं तो मतलब किसी और एज का लगेगा, ये 2022 का लगेगा ही नहीं। ऐसा लगेगा कि कोई राजा महाराजा वाला पीरियड में रह रहा हूँ। कंप्लीट हिस्टोरिक साइट जैसा है ये, एक पीछे बिल्डिंग थोड़ा सा मॉडर्न लुक में है, बाकी पूरा जितना भी है यहाँ पे तो सारे पुराने ज़माने के ही हैं, वैसे ही लगते हैं। ये कंप्लीट हैरी पॉटर वाला डायगोनली जो था ना उसका फील दे रहा है, जहाँ से हैरी पॉटर ने अपना सारा सामान खरीदा था। मतलब कभी कभी लगता है ये जो बड़े बड़े दरवाजे हैं ना, इसमें से एकदम से हैग्रिड निकल के आ जाएगा। मतलब पूरा कंप्लीट फील आप देखो, ओ तेरी। तो ये है टाउन हॉल एरिया। ये
तो ये है ब्रेमेन का फेमस स्टैचू, और इन चारों के अलग ही एक स्टोरी है, वो मैं बताता हूँ बाद में। लेकिन उससे पहले एक चीज़, जो गधा है उसका अगर दोनों पैर दोनों हाथ से पकड़ो ना तो गुड लक होता है, लेकिन अगर एक हाथ से पकड़ो पैर तो फिर यहाँ के जो लोकल्स है वो बोलते हैं कि एक गधा दूसरे गधे से हाथ मिला रहा है। तो इसलिए मैंने एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ है और दूसरे हाथ से मैं हैंडशेक नहीं करना चाहता। तो यहाँ के लोग कहते हैं कि ये जो चारों जानवर हैं, गधा, कुत्ता, बिल्ली और मुर्गी, तो जब इनका मालिकों ने इनको घर से बाहर निकाल दिया था, एक्चुअली इनसे जितना भी काम लेना था वो तो ले लिया, उसके बाद जब घर से बाहर निकाल दिया तो ये चारों मिलके म्यूजिशियंस होने के लिए ब्रेमेन सिटी में आए थे। फिर बहुत सारा लंबा कहानी है, एक्चुअली ये वो होता है ना दादी माँ की कहानी, तो उस हिसाब से ये चलता आ रहा है। देखो वरुण देव को मैंने गाली दिया था, तो अभी बारिश कम हुआ, धूप निकल के आया, और ये सैटरडे मार्केट है, तो यहाँ पे ऑर्गेनिक चीज़ें, वेजिटेबल्स और फ्रेश मीट वगैरह मिल जाएगा। और हाँ, यहाँ पे चीज़ यहाँ के लोग बहुत खाते हैं, तो इसकी वजह से चीज़ के शॉप्स बहुत मिल जाएंगे, जो लोकल चीज़ है ना। आपको अंदर भी दिखा देता हूँ मार्केट के। ये है बेकरी, और ये लेफ्ट हैंड साइड में फ्रेश मीट। तो मैं अभी जो हूँ वो ट्रेन स्टेशन में हूँ फिलहाल, यस, जो मेन सेंट्रल रेलवे स्टेशन है वहाँ तक जाऊँगा, लेकिन उससे पहले एक टिकट ले लेता हूँ। तो जस्ट पहुंच गया रेलवे स्टेशन, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 9 मिनट के आसपास लगा, और ट्रेन ही लिया था, पीछे ट्रेन स्टेशन है। ये रहा आगे रेलवे स्टेशन, जो हॉपबाहनहॉफ है, सेंट्रल रेलवे स्टेशन, तो ये यहाँ पे। तो ट्रेन स्टेशन पहुंच गया, ट्रेन के लिए वेट कर रहा हूँ। जो ऑनलाइन टिकट मैंने बुक किया वो 29 यूरो का पड़ा। मैंने स्टार्टिंग से ट्रेन का टिकट बुक नहीं किया था, क्योंकि मुझे पता नहीं था कितना टाइम लगेगा सिटी टूर करने के लिए, तो इसलिए स्टेशन में पहुंच के टाइमिंग के हिसाब से ट्रेन का टिकट बुक कर लिया। इतना लंबा जो ट्रैवलिंग था वो ख़त्म हुआ फाइनली। उसके बाद आप लोगों को मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू।